द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मछली शहर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीपी सरोज की जोरदार पिटाई ग्रामीणों ने कर दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीपी सरोज ग्रामीणों के गुस्से के शिकार हुए। और मजे की बात यह है कि सांसद महोदय को दोबारा से मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, यानी मछली शहर से एक बार फिर से ये दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी उस हालात में जहां ग्रामीणों का गुस्सा इन पर फूटा है, इनकी गाड़ी को घेर कर इन पर लोग टूट पड़े हैं। और इस वीडियो क्लिप में हालात ऐसे हैं कि पुलिस वाले भी लाठी डंडे उसी गाड़ी पर बरसा रहे हैं जो सांसद महोदय की गाड़ी है। एक वीडियो क्लिप यूपी कांग्रेस ने शेयर किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मछली शहर के लोकसभा जो सांसद हैं, यानी कि बीपी सरोज भाजपाई सांसद, उनकी ग्रामीण पिटाई कर रहे हैं, उन्हें जमकर धो रहे हैं, काम नहीं होने से नाराज हैं। अब जरा पहले हिस्से में आप देखिए कि किस तरीके से इस वीडियो में देखा जा रहा है कि लोगों का गुस्सा सांसद महोदय की उस गाड़ी पर फूटा है और कहा जा रहा है कि गाड़ी के भीतर सांसद महोदय मौजूद है। तभी एक व्यक्ति भी घुस जाता है और जमकर बवाल होता है। वहां पर लोग घेरे हुए हैं, वीडियो फोटो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं। और दृश्य में आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो कोतवाली है पुलिस थाने के सामने, यह सब कुछ हो रहा है। अब जरा आप भी देखिए क्या कुछ हो रहा है पहले 30 सेकंड। तो देखा आपने। अब इसके अगले हिस्से में आप देखेंगे, अपने स्क्रीन पर आप विजुअल्स देखते रहिए, फिर हम वीडियो को भी बकायदा उसमें यह दिखाएंगे कि शोरगुल क्या है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस वीडियो में कि पुलिस वाले भी ताबड़तोड़ डंडे उसी गाड़ी पर बरसा रहे हैं जो सांसद महोदय की गाड़ी है। लोगों का हंगामा अनवरत जारी है और यहाँ लोगों की भीड़ जुटी है। ये पुलिस थाने का भी दृश्य लगता है, कोतवाली साफ साफ लिखा हुआ है। तो उस परिसर में ही क्या पिटाई होने लगी, क्या हुआ कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, आखिर सांसद महोदय के साथ इतनी बदसलूकी क्यों हुई है, ग्रामीणों का गुस्सा क्यों फूट रहा है, देखिए इस दूसरे 30 सेकंड के हिस्से। तो देखा आपने किस तरीके से भाजपा सांसद की ग्रामीणों ने और पुलिस वालों ने मिलकर खातिरदारी कर दी है। अब यहां पर जो दावा किया जा रहा है कि पिटाई बीपी सरोज की हुई है, तो क्या वाकई में उस गाड़ी में सांसद महोदय हैं? क्योंकि गाड़ी पर सांसद लिखा हुआ है और लोग भीतर घुस रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार हो रहा है। यहां गाड़ी के भीतर क्या है, कौन है, यह क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब सांसद की गाड़ी है तो इसे दूसरा कोई क्यों प्रयोग करेगा। यहां देखिए यूपी कांग्रेस ने लिखा भी है, मछली शहर से बीजेपी पार्टी के सांसद बीपी सरोज की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। प्रदेश की जनता आजकल बीजेपी पार्टी के नेताओं से इनके जुमलेबाजी और अत्याचारों का हिसाब कुछ इसी तरह ले रही है। निश्चित तौर पर हिसाब ही किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दल बदलू सांसद रहे हैं, ये दल बदलते रहते हैं, बसपा से भाजपा में गए हैं। और आप जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 181 या 183 वोटों से ही ये चुनाव जीते थे। इनके सामने जो बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए 2019 में, उन्होंने इनके होश उड़ा रखे थे।
अब 181 सीटें किसी तरीके से अधिक हो गई, नहीं तो ये चुनाव हार भी जाते। अब जब जीते तो इन्होंने काम नहीं किया, विकास के कोई आयाम नहीं गढ़े, जिसके चलते जनता ने इनका हिसाब करना शुरू कर दिया। और यह जो वीडियो वायरल हुआ है, बताया जा रहा है कि लोकेशन जौनपुर है, क्योंकि जौनपुर समेत कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्हें मिला करके मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का गठन किया गया है, परिसीमन में ऐसा बनता है। और यहाँ ये सांसद महोदय जनता के गुस्से के शिकार हुए हैं और फिर से भाजपा का टिकट भी पाए हैं, तो इस वजह से आश्चर्य होता है कि इनकी इस बार हालत क्या होने वाली है। यहाँ से चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सीट पर सियासी समीकरण क्या है, कैसे यहाँ पर पूरे तरीके से माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया है। और सियासी समीकरण समझे उससे पहले आपको यह बता दें कि पहली बार नहीं है जब भाजपा सांसद विवादों में रहे, ये बीपी सरोज साहब। इससे पहले उनके इनका काफिला गुजर रहा था और ट्रैफिक जाम था, तो ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं मिला तो वहाँ ड्यूटी पर तैनात सिपाही के साथ इनके जो गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मी, वो मारपिटाई करने लगे। मारपिटाई बढ़ता देख फिर लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया और लोगों ने भी उस सुरक्षा कर्मी की, जो सांसद महोदय के गार्ड थे, उन्हें घेर लिया, उनके साथ धक्का मुक्की मारपिटाई की स्थिति हो गई। वो दुबक गए सांसद महोदय की गाड़ी में और फिर धीरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस कर्मी आए, CO साहब आए, जो बीच बचाव की स्थिति हुई और फिर जाकर मामला शांत हुआ। उस वक्त भी बवाल ये करवा चुके थे। तो ऐसे हैं विवादों में रहने वाले मछली शहर लोकसभा सांसद, भाजपा सांसद। यहाँ देखिए लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट भी है कि मछली शहर लोकसभा सीट समीकरण केवल 181 वोटों से जीती थी बीजेपी, इस बार क्या होगी विपक्ष की रणनीति। यहाँ कहा जा रहा है कि वाराणसी और जौनपुर की विधानसभाओं को मिलाकर बनी मछली शहर की लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के बीपी सरोज ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी टी राम को केवल 181 वोटों से मात दी थी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले की पिंडरा सीट पर मिली लीड के कारण ही भाजपा को यह जीत नसीब हो सकी थी। 181 वोटों से पीछे रह गए विपक्षी दल इस बार क्या रणनीति अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछली बार बसपा से प्रत्याशी रहे केवल 181 वोट से हारने वाले टीराम भी अब भाजपाई हो चुके हैं। वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक भी हैं, ऐसे में भाजपा को किसी नए प्रत्याशी से मुकाबला करना होगा, ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ दलितों का वोट जिधर जाता है, कहा जाता है कि जीत उधर ही चली जाती है। यह लिखा गया है कि मछली शहर लोकसभा सीट पर पिछड़ों और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, यही तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या अन्य जातियों से बहुत ज्यादा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहां यादव 2,18,667 हैं, अनुसूचित जाति की संख्या 2,48,000 है, ब्राह्मण यहां बताया जा रहा है कि 1,70,000 है, क्षत्रिय 2,42,000 है, वैश्य 64,000 है 764 और कायस्थ 91,452, मुस्लिमों की संख्या 89,322 है और अन्य जो हैं वो 3,41,799 हैं। तो ये टोटल सियासी समीकरण है। यहाँ से जीत किसकी होगी, पिछली बार तो मुकाबला दिलचस्प था और इस बार भी इंडिया गठबंधन है, भले ही बसपा अलग है लेकिन गठबंधन इंडिया सपा कांग्रेस का तो है। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, यह तय मानिए, क्योंकि जनता बीपी सरोज से नाराज चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।